Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar by Brain Root series. And here is a book, Grammar Glitter Odyssey, and this is book 2. So today we will start chapter number 18 and the name of the chapter is Some L-Y Words. So today we will learn about some L-Y words. So here you can see first, there are some pictures. Let's read them. So in the first picture, you can see there's a teacher and she is teaching something to the child. So please speak loudly. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि both are learning something. तो यहाँ पे जो sentence है उसमें लिखा है please speak loudly. तो कैसे बोलना है? लाउडली बोलना है, तेज से बोलना है. द बर्ड इज सिंगिंग स्वीटली. तो बर्ड तो काम कर रही है. कौन सा काम कर रही है? सिंग करने का. लेकिन कैसे कर रही है? स्वीटली कर रही है, बहुत ही सुरीला गा रही है. द सन शाइन्स ब्राइटली. सन शाइन कर रहा है. कैसे चमक रहा है? ब्राइटली, बहुत ही ब्राइट चमक रहा है. सो ये जो वर्ड्स लिखे ब्लू कलर से, लाउडली, स्वीटली एंड ब्राइटली, दिस टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन. ये हमें बताते हैं कि जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है. दीज वर्ड्स आर एडवर्ब्स. तो ऐसे वर्ड्स जो ये बताएं कि काम कैसे हो रहा है, ऐसे वर्ड्स को एडवर्ब्स कहा जाता है. मोस्ट एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly. ज्यादातर जो एडवर्ब्स है उसे ly को जॉइन करके बनाया जाता है. किस में? एडजेक्टिव में. सो हमने अभी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पढ़े थे ना, तो उन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में ly को एड ऑन करके जो है एडवर्ब्स बनाए जाते हैं. एग्जाम्पल्स आर लाउड में हमने ly को ऐड किया तो बन गया लाउडली. नीट में ly ऐड किया तो बन गया नीटली. वी यूज ly वर्ड्स टू डिस्क्राइब वर्ब्स. तो अगर आपसे कोई पूछे कि ly वर्ब्स को कब यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे कि ly वर्ब्स को हम यूज करते हैं, वर्ड्स को हम यूज करते हैं किसी भी वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए, कि वर्ब जो है, कोई जो काम है वो कैसे हो रहा है. नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज हियर. मेक एडवर्ब्स बाय एडिंग ly टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स. हमें क्या करना है? एडवर्ब्स को बनाना है ly ऐड करके इन सारे एडजेक्टिव्स में. तो पहला वर्ड है sad और उसमें हम ऐड करते हैं ly, तो ये बन जाएगा sadly. सेकेंड वर्ड है strong और strong में हमने ly लगा दिया तो बन गया strongly. थर्ड है clever, तो clever में हमने ly लगा दिया तो बन गया cleverly. rough बन जाएगा roughly. quick बन जाएगा quickly. जल्दी जल्दी काम करो. foolish बन जाएगा foolishly. similarly brave will become bravely. ear will become early. similarly do these two, 9 and 10, you have to do yourself. Now let's move on to B exercise. Use each of the following adverbs in sentences of your own. तो यहाँ पे कुछ adverbs दिए गए हैं, इन्हें हमें sentences बनाने हैं और उसमें लिखने. So first word is sweetly. The bird. बर्ड क्या कर रही है? सिंग कर रही है. द बर्ड सैंग स्वीटली. सो लेट्स राइट इट हियर. बर्ड ने कैसा गाना गाया? स्वीट गाया. पोलाइटली.
The boy spoke politely. Clear, children? Next is noisily. The children are talking noisily. Children talk in the class now? So the children are talking noisily. Kaise baat kar rahe hain? Noisily baat kar rahe hain. Next one is happily. Mother went to the market happily. Mummy bahut khush hai market jaake. So mother went to the market happily. Next is slowly and yearly. So make sentences by using these words on your own. Next, let's move on to C exercise. Here we have to circle the verbs and underline the adverbs in the following sentences. तो यहाँ जो sentences है इसमें हमें क्या करना है, verb को circle करना है और adverbs को underline करना है. So first one is drive carefully. ध्यान से drive करो. तो drive करना क्या है, एक काम है, एक verb है. तो जल्दी से इसे कर देते हैं हम circle. अब सेकेंड, केयरफुली क्या है, आराम से करो. ड्राइव जो करना है कैसे करना है, ध्यान से करना है. तो ध्यान से करना हो गया हमारा एडवर्ब. काम को कैसे करना है, ध्यान से करना है. सेकेंड वन, दे लाफ्ड लाउडली. वो तेज से हंस रहे थे. तो क्या कर रहे थे, वो हंस रहे थे. तो हंसना क्या हो गया, एक काम हो गया, डूइंग वर्ब हो गया, डूइंग वर्ड्स हो गए. अब ये काम कैसे कर रहे हैं वो लोग, तेज से कर रहे हैं, बहुत तेज तेज हंस रहे हैं. तो लाउडली इज द एडवर्ब. थर्ड वन, ही फॉट वेरी ब्रेवली. वो लड़ रहा था. कैसे लड़ रहा था, ब्रेवली. तो लड़ना क्या हो गया, वर्ब. एंड कैसे लड़ रहे थे, ब्रेवली. तो ये हो गया हमारा एडवर्ब. फोर्थ वन, The children played noisily. बच्चे खेल रहे हैं. तो खेलना क्या हो गया, verb. बच्चे कैसे खेल रहे हैं, noisily. So this is our adverb. Fifth one, I walked home slowly. मैं चल रही थी. कैसे चल रही थी, slowly चल रही थी. तो चलना क्या हो गया, verb. And slowly हो गया adverb. He drives the car carefully. He drives. उसने drive किया. कैसे drive किया, carefully drive किया. तो drive करना क्या हो गया, verb. And carefully is the adverb. I hope children, this is clear to you. Now children, let's move on to D exercise. Look at these pictures and then take the correct ly words For each picture. हर पिक्चर में आप देख सकते हो दो ly words हैं. आपको जो करेक्ट वर्ड है उसको टिक करना है. सो फर्स्ट वन इज द बॉय इज ईटिंग समथिंग. दिख रहा है आपको कुछ, खा रहा है ये, yes. ये तो आइसक्रीम दिख रही है ना. सो लाविश इज ईटिंग आइसक्रीम. अब जब वो आइसक्रीम खा रहा है तो आप बताओ क्या वो बच्चा हैप्पी है या सैड है, आपको देख के क्या लग रहा है, बच्चा हैप्पी है या सैड. Yes. So the boy is happy. तो हम क्या बनाएंगे सेंटेंस, Lavish is eating ice cream happily. खुश होके खा रहा है. Next, second one. आप देख सकते हो एक बच्चा है जो चल रहा है या एक man है वो चल रहा है. So the man is walking. अब कैसे चल रहा है ये आप बताओ मुझे, Slowly या फिर quickly. कैसे पता चलेगा स्लोली चल रहा है या क्विकली, जब हम स्लोली चलते हैं तो हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, लेकिन जब हम जल्दी जल्दी चलते हैं तो हमारे स्टेप्स बड़े हो जाते हैं, हम लंबे लंबे पैरों को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं. तो आप बताओ ये मैन कैसे चल रहा है, स्लोली
या फिर क्विकली. यस, क्विकली इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, दिस गर्ल इज सिंगिंग. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल? आयुषी. आयुषी इज सिंगिंग. अब कैसे गा रही है बताओ, इस गर्ल को देखो, जल्दी से बताइए कैसे गा रही है. सैडली या फिर स्वीटली? वो दुखी होके गा रही है या बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा स्वीट सॉन्ग गा रही है? बहुत अच्छी आवाज आ रही है. सो द आयुषी इज सिंगिंग स्वीटली. फोर्थ वन, फोर्थ पिक्चर देखेंगे. यहाँ पे कारपेंटर है जो क्या कर रहा है, कुछ लकड़ी का सामान बना रहा है. सो द कारपेंटर इज वर्किंग. कारपेंटर वर्क कर रहा है. अब कैसे, ब्रेवली या फिर करेक्टली? ब्रेवली क्या होता है? ब्रेवली का मतलब है बहादुरी से. तो क्या यहाँ पे वो बहादुरी से काम कर रहा है या सही से? करेक्टली मीन सही से काम कर रहा है. विच वन इज करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज करेक्टली. द कारपेंटर इज वर्किंग करेक्टली. वो सही से काम कर रहा है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्राफ्ट कॉर्नर. हियर वी विल लर्न अबाउट ऑपोजिट्स. गेट इनटू ग्रुप ऑफ फाइव, मेक अ चार्ट पेपर ऑन द टॉपिक ऑपोजिट्स. तो ऑपोजिट्स पे आपको एक चार्ट पेपर बनाना है जिसमें आपने ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं. तो व्हाट ऑल मटेरियल्स यू विल रिक्वायर? थिंग्स यू विल नीड आर चार्ट पेपर. एक चार्ट पेपर चाहिए, स्केच पेंस चाहिए एंड ब्यूटिफुल लेसेस चाहिए. तो चार्ट पेपर, स्केच पेन एंड लेसेस. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मेक अ लिस्ट ऑफ 25 ऑपोजिट्स. 25 ऑपोजिट्स की लिस्ट बनानी है, जैसे कि बिग, स्मॉल, अप, डाउन, ब्लैक, वाइट. नाउ राइट देम ऑन चार्ट पेपर विथ स्केच पेन. स्केच पेन से उसे चार्ट पेपर पे लिख दो एंड ड्रॉ दीज रिलेटेड इमेजेस ऑन चार्ट पेपर. और उनसे रिलेटेड जो इमेजेस हैं उनको भी चार्ट पेपर पे ड्रॉ करना है. जैसे मैंने बिग बोला तो एक बड़ी पिक्चर बनानी है, स्मॉल है तो उसके सामने छोटी बना दो. आप तो कोई चीज़ आप रख के दिखानी है आपको. डाउन है तो डाउन शोइंग कोई पिक्चर बनानी है. ब्लैक तो ब्लैक कलर की कोई पिक्चर बनानी है. वाइट है तो वाइट कलर की बनानी है. सो ऐसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स बनानी है उन लेटर्स के सामने, उन वर्ड्स के सामने. नाउ कलर एंड डेकोरेट द इमेजेस. इमेजेस को कलर करना है एंड देन डेकोरेट करना. आप देख सकते हो जैसे अबव, बिलो, कम, गो, इनसाइड, आउटसाइड, हाई, लो. डेकोरेट द बॉर्डर ऑफ चार्ट पेपर. जो चार्ट पेपर है उसके बॉर्डर को डेकोरेट करना है किससे? जो लेस आपने ली थी ना उससे, एज पर योर विश. शो योर चार्ट पेपर इन योर क्लास एंड पेस्ट इट ऑन योर बुलेटिन बोर्ड. सो आपको अपने क्लास में वो पेपर जो है, वो चार्ट पेपर सबको शो करना है एंड आपको अपने बुलेटिन बोर्ड पे उसे पेस्ट करना है. सो विद दिस चिल्ड्रन वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. I hope it's clear to you. I hope you have learned many LY words here. And I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.